हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ इनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सीखते हैं नंबर्स ऑफ ब्रिक्स इन रूम। एक सब्सक्राइबर ने, एक व्यूवर्स ने काफ़ी कई बार कमेंट्स किया है कि हमें 12 बाई कमरे में कितनी ईंटें लगती है, बार बार उसने पूछा है। तो ये वीडियो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगी, और जो नहीं जानते, कोई फ्रेशर है तो इनिशियल फ्रेशर है तो उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो अगर वीडियो को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। हमारे पास है 12 बाई 12 का एक कमरा, सिंपल। हमारे पास है रूम का साइज 12 बाई 12, इसको इनर फेस है 12 फीट और कमरे की चौड़ाई भी 12 फीट, और 12 फीट सिंपल कमरा है। उसमें आप दरवाज़ा भी बनाएंगे, डोर भी लेंगे, विंडो भी आप इसमें प्रोवाइड करेंगे। तो आपके पास है लेंथ एंड ब्रेथ, सिंपल आपके पास कमरे की हाइट आ गई। तो उसमें हमने कुछ गिवन डाटा ले लिया है। लॉन्ग वॉल देखिए, सबसे पहले बाद में बताऊंगा, पहले 12 बाय 12 कमरा है, उसमें हाइट आपने ली है 11 फीट, 11 फीट की हाइट ले ली। आपने डोर प्रोवाइड किया 4 फीट का, 4 फीट का आपने डोर, वो 4 फीट का इसलिए लिया है क्योंकि जो विंड डोर का फ्रेम होता है, यहाँ पे डोर का फ्रेम होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, उसके अंदर आपने क्लियर स्पेन बाद में आता है। तो 4 फीट आपके आउटर से आउटर डोर फ्रेम का वो लिया है, उसके अंदर जो आता है आपके पास, फिर वो अब उसमें माइनस कर लेते हैं। 4 फीट माइनस, सपोज कि 4 इंच ये होता है, 4 इंच ही होता है, तो क्लियर स्पेन कितना आ जाता है, सपोज कीजिए 0 4 4 फीट माइनस 8 इंची, तो 8 हमारे पास 8 इंची माइनस कर लेते हैं, 8 इंची को 12 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इसको समथिंग आ जाता है। तो कितना आता है, 0.666, तो समथिंग 4 फुट में से समथिंग आ जाता है। तो ये आपके पास 3 फीट 4 इंची, 3 फीट 4 इंच समथिंग आ जाता है। तो आपके पास क्लियर स्पेन आपके 4 फीट, और हाइट क्या है, 7 इंच, 7 फीट हाइट, 7 फीट लेते हैं। तो विंडो की आ गई आपके पास 3 फीट बाई 4 फीट, विंडो की जो चौड़ाई है 3 फीट है, 3 फीट आपकी विंडो की हाइट आ गई। और हाइट सिंपल एग्जांपल के बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप लेते जा रहे हैं, जो भी आपके पास साइट पर है डोर या विंडो जो भी है, इसी तरह आपको डिडक्शन करना है, इसी तरह आपको मेजरमेंट करनी है। जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इस बेस पे आप एक्यूरेट क्वान्टिटी निकाल सकते हैं ब्रिक्स की अपने साइट पर, अपने कमरे पर, ठीक है। और जो विंडो ले 3 फीट बाई 4 फीट की है, थिकनेस वॉल की है 9 इंची, कन्वर्ट करते हैं इसको फीट में तो 0.75 फीट आ जाता है। अब देख लेते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल कैसे निकालते हैं। लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल कोई सी भी लेंथ पकड़ लीजिए, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर ये 4 फीट होता है, 5 फीट होता है, तो शॉर्ट वॉल कौन सी होती है आपकी, 4 फीट वाली। लॉन्ग वॉल होती है 5 फीट वाली, 5 फीट वाली कहाँ से होती, आउटर से आउटर। इसको ये 12 फीट आपकी, ये यहाँ से वॉल आपकी ये 12 फीट आई, ठीक है, ये वॉल आपके पास है 12 फीट की, ये आपके पास 12 फीट की वाल हो गई, ये दोनों बराबर हो गई। अब देख लेते हैं लॉन्ग वाल, लॉन्ग वाल कौन सी आएगी, ये तो आपने कट दिया अंदर। अब ये 12 बाई इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपकी ये 13 फीट 6 इंची की वॉल आएगी, ठीक है। ये आपके पास बाहर से बाहर ये 9 इंची ये प्लस हो गया, 9 इंची ये प्लस हो गया 12 फीट में। तो 12 फीट को हम जब 9 इंची 9 इंची प्लस करते हैं तो 13 फीट 6 इंची आता है। तो ये वो सिंपल वही 13 फीट 6 इंची कन्वर्ट करते हैं तो फीट में, तो 13.5 फीट आता है, सिंपल। अब निकाल लेते हैं इसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास सीरियल नंबर ले लेते हैं, डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, नंबर्स ले लेते हैं कि नंबर्स ऑफ वॉल कितनी रहेगी, लेंथ आपके पास फीट में है मेजरमेंट, ब्रेथ भी आपके पास फीट में है, हाइट भी फीट में है, और क्वांटिटी निकालना है फीट क्यूब में। तो कुछ एस्टिमेट भी मैं बता देता हूँ, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी चुनाई वाले को, किसी को भी दे रहे हैं मेजरमेंट दे रहे हैं, तो इस तरह से आप मेजरमेंट ले लेंगे। तो शॉर्ट वॉल दे रहे हैं, शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल आप कितने आपके पास 2, ठीक है, कितने फीट की 12 फीट की। लॉन्ग वॉल हमने निकाली थी 13.5 फीट की। तो नंबर्स कितनी है, वॉल 2, दोनों बराबर हैं क्योंकि स्क्वायर में ही है, स्क्वायर पर टाइप में ना। तो चौड़ाई कितनी है वॉल की, 9 इंची, 9 इंच को कन्वर्ट करना है आपको फिट में, क्योंकि सभी मेजरमेंट आपके फिट में है। अब बात करते हैं हाइट की, हाइट कितनी है 11 फिट, ठीक है। तो इन सभी को गुणा करते हैं, जैसे कि आप उसमें एक्सेल शीट में जाएंगे, एक्सेल शीट में क्वांटिटी निकालेंगे क्यूबिक फीट में, तो सिंपल क्या करेंगे, बराबर करने के बाद ये वाला क्रस, ये वाला सेल्स क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई ये वाला क्लिक, मल्टीप्लाई ये, इन चारों सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 198 CFT में आएगा, क्योंकि क्यूबिक फीट में वॉल्यूम है आपके पास। अब बात करते हैं लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल कितनी है 2, तो लेंथ क्या है 13.5 फीट, चौड़ाई 0.75 फीट, ये 9 इंची वॉल है ना, 9 इंच को कन्वर्ट करना है फिट में। अब बात करते हैं हाइट, हाइट 11 फीट, तो सेम है,
तो इन चारों को गुना करते हैं दूसरे से, 222.75 फीट क्यूबिक फीट में आता है। अब बात करते हैं डिडक्शन। डिडक्शन क्या है आपके पास, एक तो डोर है वन, कितना है डोर वन, और लेंथ कितनी है 4 फीट, 4 फीट, और चौड़ाई कितनी है 0.75, क्योंकि चौड़ाई हमें करना है ब्रिक में, यानी वॉल निकाल रहे हैं तो चौड़ाई जो वॉल की है वही हम माइनस करेंगे, तो 0.75 फीट, और हाइट 7 फीट, 4 बाई 7 फीट की आपके पास डोर है, ठीक है। और वॉल्यूम क्या आएगी, इसको इनको चारों गुना कर देते हैं तो 21 क्यूबिक फीट आता है। अब बात करते हैं विंडो। अब डिडक्शन करना है विंडो का, विंडो कितनी है वन, तो चौड़ाई लंबाई चौड़ाई कितनी है 3 फीट बाई 4 फीट, तो 3 लंबाई है, और चौड़ाई ईंटों की चौड़ाई हमें वॉल की चौड़ाई निकालनी पड़ेगी तो 0.75, और हाइट क्या है 4, तो इन तीनों को गुणा कर देते हैं तो 9 आ जाता है। तो सिंपल हम ये आपको प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करने पे ये आपको माइनस करना है, तो 390.75 क्यूबिक फीट आपके पास वॉल्यूम आ जाती है, ठीक है। आपके पास वॉल्यूम ऑफ वॉल 390.75 क्यूबिक फीट आ गया, क्लियर। अब ले लेते हैं साइज ऑफ वन ब्रिक, जो आपके साइट पे यूज होता है, मोस्टली साइज यूज होता है तो 9 इंची बाई 4.5 इंच 0.3 इंची, सबसे ज़्यादा ब्रिक का साइज यही यूज होता है, जो आपके साइट पे यूज हो रहा है तो वही आपको ब्रिक का साइज ले लेना है। कितने से मोटा ले लेते हैं, आधा इंची, आधा इंची को कन्वर्ट करना है फीट में, तो 0.5 फीट ये आपके पास आएगा फीट में, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोटर के साथ में। आपने ब्रिक मेजरनरी आपको करनी है तो उसमें आप निकालेंगे क्वांटिटी, अगर सिंगल निकाल लेते हैं वॉल की, अगर ये ईंटों का यही एक ब्रिक है, ये आपको निकालनी होती है मोर्टार के साथ में, बिकॉज बहुत साइड मोर्टार यूज हुआ, क्योंकि एरिया इसका फाइंड आउट करेंगे तो वो कैलकुलेशन निकालना होता है। अगर आप सिंपल सिंगल ब्रिक निकालेंगे तो वो ब्रिक्स क्वांटिटी बहुत ज़्यादा निकल जाएगी, मोर्टार के साथ निकाल, क्योंकि मोर्टार की थिकनेस भी इसमें दीवार में बड़ी है, तो मोर्टार की थिकनेस हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा, तभी आपकी इरेक्ट एग्जैक्ट क्वांटिटी निकल आएगी ब्रिक्स की। तो हमारे पास है 1/2 इंची, ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा थिकनेस वॉल की। देखो वॉल्यूम ऑफ निकालना है वन ब्रिक विद मोर्टार के साथ में, हमारे पास है ये 9 इंची की वॉल, ये आपके पास 9 इंची की वॉल है, ठीक है, ये आपके पास 9 इंची वॉल है, तो इसमें मोर्टार की थिकनेस नहीं बढ़ी है, मोर्टार की थिकनेस इधर बढ़ी है और इधर, और टॉप पे एंड बॉटम में, तो ये आपके पास 9 इंची एज इट इज रहेगी, 9 इंची एज इट इज रख दिया मैंने, 9 इंची ये आपके 9 इंची है। 5 इंच, तो साढ़े इसकी जो चौड़ाई होती है 4.5 इंच की होती है, आधा इंची का मसाला यूज किया, आधा इंची का मसाला यूज किया, तो कितना आ गया आपके पास 0.5 इंची, 0.5 इंच, तो इसको प्लस कर देते हैं 5 इंच आ जाता है। अब देख लेते हैं थिकनेस, थिकनेस आपके पास मोटाई सेक्शन इसमें इस तरह से दिखाएगा, ये आपका टॉप से दिखा रहा है, ये आपका साइड फ्रंट से, ये 3 इंची की मोटाई है, 3 इंची की मोटाई है ईंटों की, तो मोटा आपके पास टॉप में भी यूज हुआ बॉटम में भी, तो ये 3.5 इंच, तो इन तीनों को गुणा कर देते हैं तो 157.5 क्यूबिक इंच आ जाता है, क्यूबिक इंच हो गया है। तो क्यूबिक इंच आपके पास इस तरह से हो गया है ये इसमें, बट हमें इसमें अगर आप सोचेंगे कि मैंने चौड़ाई में क्यों किया, सभी में प्लस करना चाहिए था, बट नहीं, कंडीशन हमारी जो वॉल की चौड़ाई है इसमें मोटर का थिकनेस नहीं बढ़ रही है, मोटर हमने साइड में नहीं बढ़ रही है, तो इस वजह से 9 इंची एज इट इज रखना है, तो मैंने बस सिंपल कैलकुलेशन निकाल कर दिखा दिया मैंने। अब निकाल लेते हैं क्यूबिक फीट, क्योंकि वॉल की जो वॉल्यूम है क्यूबिक फीट में है, तो ईंटों की वॉल्यूम क्यूबिक फीट में निकालना है, तो 157.5 क्यूबिक इंच है, तो कन्वर्ट करना है 1728 से, सिंपल भाग कर देते हैं। देखिए एक क्यूबिक फीट में होता है बराबर 1728 इंच क्यूबिक इंच, ठीक है, क्यूबिक इंच होते हैं, तो सिंपल इसको हमें भाग करना पड़ेगा, तो आपके पास आ जाएगा 0.091145 क्यूबिक फीट, ये आपके पास आ जाती है वॉल्यूम वन ईंट की, एक ईंट की। एक फीट में होते हैं 12 इंची, तो 12 इंटू 12 इंटू 12, इन तीनों गुना कर देते हैं तो क्यूबिक फीट बन जाता है, तो कितना आता है 1728 क्यूबिक इंच, तो इससे भाग कर देते हैं तो 0.0191 क्यूबिक फीट। अब ले देते हैं नंबर्स ऑफ ब्रिक्स, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है 390.75, आपने निकाला था यहाँ पे 390.75 क्यूबिक फीट, तो 390 डिवाइड बाई 0.091145, इससे इसको भाग कर लेते हैं तो 4288 ब्रिक्स आ जाता है। जबकि है कंसम्पशन, जो
वॉल के अंदर लगेगी। अब निकाल लेते हैं, हम निकालना है रिक्वायरमेंट, ये आपके पास आएगी रिक्वायरमेंट। एड 50 to 10% हमें निकालना होता है वेस्टेज, क्योंकि उसमें थोड़े बट्स भी आते हैं कम, जो छोटे छोटे आधे होते हैं, कम होते हैं, पौना होता है, क्योंकि क्लोजर हम यूज़ करते हैं, तो ये वेस्टेज हो जाती है। जैसे हम ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी वेस्टेज हो जाती है। तो 4 to 8 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स ये कंसप्शन है, गुना करते हैं 5% से, 5% होता है, 5% को निकालने के लिए 5 डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। तो 5 डिवाइड बाई 100 ये आपके पास प्लस होगी किसमें, इतने नंबर्स ऑफ ब्रिक्स में, 4 to 8 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स आपकी ये रिक्वायरमेंट, ये आपके कंसम्पशन जो वॉल के अंदर लगेगी, और रिक्वायरमेंट हम 5% ले लेते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में हम प्लस करते हैं, इसका परसेंटेज कितना आया, 215 ब्रिक्स, इसको हम कैलकुलेशन करते हैं, 215 ब्रिक्स आता है। तो 5 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 0.05। अब कितनी ब्रिक्स थी, 4 to 8 4 2 8 8, ठीक है। तो कितना आता है, 214.5, 214.4। तो इसको हम 0.4 में है तो आधे से ज़्यादा है, तो ये 215 ब्रिक्स, 215 प्लस 4 to 8 प्लस 4 to 8 इक्वल टू 4 50 2 4। तो सिंपल 0.4 है तो समथिंग 4 5, तो सिंपल सॉरी, तो कितना आता है, 4 2 से करना था प्लस, तो 4 5 0 3 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स ये आपकी रिक्वायरमेंट आएगी। इस तरह से हम निकालें, सिंपल फार्मूला होता है, सबसे पहले आप वॉल्यूम निकाल लें ब्रिक्स की, उसके बाद आप वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विद मोर्टार। सिंपल ये फार्मूला होता है ब्रिक्स नंबर्स ऑफ निकालने का, नंबर्स ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विद मोर्टार, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हैं हमारे साथ, तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे।